हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एनएमडीसी लिमिटेड एंड पीटीसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोनों ही डिविडेंड पेइंग स्टॉक है एंड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस एक कहावत है, और इसके हिसाब से दोनों काफ़ी स्लो एंड स्टेडी थे, लेकिन कैसे फ़ायदा किया है आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे पीटीसी इंडिया लिमिटेड ये पावर ट्रांसमिशन के रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, और इसका जो अभी का करंट मार्केट प्राइस है वो 90.8 रुपीज़ है। इसका जो हाई एंड लो है वो है 92 रुपीज़ एंड लो है 32.8 रुपीज़। दोस्तों, यहाँ पे हमने 50 रुपीज़ के आसपास इस कंपनी पे वीडियो बनाया था, और उस टाइम पे इसका जो डिविडेंड था पर शेयर 5.5 रुपीज़, और उसके हिसाब से वह नियरली 10-11% जितना डिविडेंड पे आउट उस टाइम पे हो रहा था। अभी की भी प्राइस के हिसाब से गिने 90.8 रुपीज़ पे तो भी डिविडेंड यील्ड 6.6% आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर आपने नवंबर के आसपास जब 50 रुपीज़ से कम था अगर वहाँ पे बाई किया है अराउंड 45 रुपीज़ लेट से, और आपके पास अभी ये है, तो इसका प्राइस तो डबल हुआ ही है, लेकिन इसके अलावा इसने जो डिविडेंड दिया है 5.5 रुपीज़ के अराउंड, उसके हिसाब से आपको मोर देन 11-12% डिविडेंड पे आउट भी मिला है। यानी कि आपका कैश फ्लो भी मेंटेन रहा है जो मोर देन एफडी है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो डबल मोर देन डबल हो गई है। तो दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, बिकॉज यहाँ पे रिस्क बहुत कम था, बिकॉज बिलो 45 ये 32 रुपीज़ तक गया है, लेकिन वो काफ़ी बॉटम रेंज में फिर काफ़ी अट्रैक्टिव वो वैल्यूएशन हो जाते हैं, और डिविडेंड यील्ड भी बढ़ जाता है। और जितना भी बॉटम बाइंग प्राइस पे आप बाइंग करते हो उतना डिविडेंड यील्ड बढ़ने की वजह से फ्यूचर में ग्रोथ भी अच्छा मिलता है, और कंपनी ने अगर अच्छा प्रॉफिट मेंटेन किया तो डिविडेंड यील्ड भी बढ़ता रहेगा एंड प्राइस भी बढ़ती रहेगी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है तो डेफिनेटली जो डिविडेंड फ्लो है, कैश फ्लो आउटफ्लो, वो मेंटेन रहता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन न्यू वीडियो अपलोड। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं एनएमडीसी लिमिटेड की। इसका करंट प्राइस है 145 रुपीज़, इसका हाई लो है 146 रुपीज़ एंड लो है 69.8 रुपीज़। दोस्तों, इसमें भी हमने अराउंड 80 रुपीज़ पे ये शेयर में हमने बोला था कि बाई करना चाहिए, बिकॉज उस टाइम पे डिविडेंड यील्ड काफ़ी अट्रैक्टिव था। अभी इन्होंने 7.7 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है और 145 रुपीज़ 5.34% जितना डिविडेंड यील्ड पड़ रहा है। दोस्तों, अगर आपने 69.8 रुपीज़ लो है, लेकिन दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैच, वो एकदम बॉटम प्राइस तो आप कभी भी कैच नहीं कर पाते, बट अराउंड 80 रुपीज़ से 90 रुपीज़ के बीच में अगर आपने बाइंग किया है, नवंबर तक किया था, अप्रैल आप देख सकते हो जून में काफ़ी डाउन गया था, यहाँ पे अप्रैल मई में और भी डाउन गया था, उसके बाद एक अप ट्रेंड में आने के बाद वापस वो एक प्राइस रेंज में आया था। तो अगर आपने 80-90 रुपीज़ के बीच बाई किया है तो यहाँ पे नियरली डबल होने आया है 145 रुपीज़। इसके अलावा 7.7 रुपीज़ 80 रुपीज़ पे आपके बाइंग प्राइस पे ये नियरली 10% डिविडेंड यील्ड भी पड़ता, जो मोर देन एफडी है। तो हमने उस टाइम पे भी बोला था काफ़ी गवर्नमेंट कंपनी से जिसका डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है एंड मोर देन एफडी हो रहा है, तो वो सभी कंपनीज में डिविडेंड कैश फ्लो भी मिला है, प्रिंसिपल अमाउंट भी डबल हो गई है। दोस्तों, तो ऐसे जो भी कंपनी से, अच्छी कंपनी से, गवर्नमेंट कंपनी से, अच्छा बिजनेस है, कारोबार है, तो ऐसी कंपनीज पे ध्यान रखना चाहिए, और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है बॉटम फिशिंग करना चाहिए, मीन्स बॉटम प्राइस पे बाई करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर टचिंग 52 वीक बॉटम उसका लाइफ टाइम बॉटम कितना है वो देख के उसके नीचे और कितना जाने का चांसेस है वो आपको थोड़ा रियलाइज़ हो जाता है, और उस मोमेंट पे आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि डाउनवर्ड रिस्क देन बहुत कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो ऑन एनएमडीसी लिमिटेड एंड पीटीसी इंडिया लिमिटेड। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।